हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते मुझे कहाँ स्पॉन किया जाता है। ओह माय गॉड, ये मुझे कहाँ स्पॉन कर दिया गया है। सामने में डिजर्ट दिखाई दे रहा है, कुछ लावा भी है। चलिए लावा का काम हो जाएगा। और डेजर्ट है वो, सामने में एक मशरूम ट्री है। तो एक काम करते हैं, मशरूम ट्री में ही अपना सर्वाइवल हाउस बना लेते हैं। इसके लिए लेडर की ज़रूरत पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, तो वो कोई बात नहीं है। ओक लॉग से हम लोग लेडर और ट्रैप डोर और स्लैब तीनों चीज़ बना सकते हैं। तो मशरूम ट्री में ही हम लोग पहला सर्वाइवल हाउस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, तब हम लोग एक अच्छा सा घर बाद में बनाएंगे। तो मिनिमम आई थिंक 20 ओक लॉग्स कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ओक लॉग्स कलेक्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वुड प्लैंक्स बना लेते हैं। प्लैंक्स बनने के बाद हम लोग अब क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल से अब हम लोग स्टिक बना लेंगे। स्टिक बनने के बाद अब हमें लेडर की ज़रूरत पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए, तो लेडर बना लेते हैं। 6 पीस बना लेते हैं, आई थिंक 6 में हो जाएगा काम। 1, 2, 3, 4, 5, आई थिंक 3 काफ़ी है। तो ऊपर से 2 हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ओके, अब हमें स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वुड प्लैंक्स बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर स्लैब। 6 स्लैब इतना में तो हो जाएगा। तो 12 स्लैब हम लोग बना लिए हैं। अब ऊपर चढ़ के हम लोग स्लैब लगाएंगे। यहाँ स्लैब लगा दिए, यहाँ पर नहीं लग रहा है, यहाँ लगा दिए। ओके, तो अब नीचे उतर कर बाकी स्लैब हम लोग लगाते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर से तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ हम लोग नीचे उतर कर बाकी स्लैब लगा लिए हैं। यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं, इसको ब्रेक करके यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये एरिया कवर कर देते हैं। सामने के साइड में ट्रैप डोर लगाएंगे। अब ये हमारा मशरूम ट्री हाउस बन चुका है रेडी। ये हमारा बेस का काम करेगा स्लैब। तो अब हम नीचे उतर के यहाँ पर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग बना लेते हैं ज़रूरत का जो भी सामान। पहले प्लैंक्स बना लेते हैं, एक पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगा, ट्रैप डोर लगाना है, ट्रैप डोर की ज़रूरत पड़ेगा, और एक पिकेक्स, एक एक्स की ज़रूरत पड़ेगा। स्वॉर्ड का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन स्वॉर्ड बाद में बना लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। और एक शवल बना लेंगे। तो एक पिकेक्स, एक एक्स बना लेते हैं और एक शवल। इतना बन गया। अब हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को ब्रेक करके ऊपर में ले जाके रख देंगे। ऊपर में ले जाकर अब हम लोग घर के अंदर में ही जो क्राफ्ट करना होगा करेंगे। तो ये ब्रेक करके हम लोग इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं अभी। और डोर बना लिए, ऐसे तो ट्रैप डोर यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन डोर बना लिए क्योंकि जब आगे चलकर घर बनाएंगे तो वहाँ पर डोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने क्राफ्टिंग टेबल रख दिया है, और हम लोगों को एक चेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं। नहीं, अगर बाद में हम लोग मर गए तो जो भी सामान है इन्वेंट्री में सब लॉस हो जाएगा, इसलिए पहले एक चेस्ट बना लेते हैं ऊपर जाकर। और चेस्ट में सारा सामान रख कर, सिर्फ कुछ सामान लेकर ही हम लोग इन्वेंट्री में रख कर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक चेस्ट बना लेते हैं और चेस्ट को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम लोग जो भी सामान काम का नहीं है, डोर, ट्रैप डोर, ये सब हम लोग, ट्रैप डोर तो अभी लगाएंगे, ये सब हम लोग रख देते हैं बाहर चेस्ट के अंदर में। और बस ज़रूरत का सामान ही लेकर हम लोग बाहर जाएंगे। ये ट्रैप डोर हमने यहाँ पर लगा दिया। ट्रैप डोर ओपन करके हम लोग नीचे जाएंगे अभी, और यहाँ पर ट्रैप डोर क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग चलेंगे आउटसाइड एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ कोल चाहिए क्योंकि टॉर्चेस बनाना होगा, लेकिन नाइट हो गई है और ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं, हमें वापस घर जाना होगा। ओ, एक ज़ॉम्बी ने मुझे मार दिया। ये ज़ॉम्बी को मारना होगा। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल हो रहा है। ओ, एकदम एक हट पर हम लोग बचे, बहुत मुश्किल से हम लोग बचे हैं।
अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं, नाइट के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, एंटिल नेक्स्ट टाइम।